अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं अब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं रशियन कबाब। ये मैंने चिकन की पीस ले लिए, इसे धो के साफ़ कर दिया है। अब इसमें हम हरी मिर्ची और कोतमीर मिक्सर में ग्राइंड करके मिक्स करके लेंगे। मैंने हरी मिर्ची और कोतमीर मिक्सर में ग्राइंड करके ले लिए। अब हम इसमें मिक्स करते हैं। हमने इसमें हरी मिर्ची और कोतमीर पीस के ली थी, वो डाल दिए, और जो चिकन है वो डाल दिए। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स करके लेंगे। इसमें इसलिए थोड़ा कि चिकन फिकी रहती है, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा मिर्ची का। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे उबलने रख देंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर पानी मिक्स कर दी हूँ और इसी पानी में इसको बॉईल करना है और पानी को सुखा के लेना है, ठीक है। चलिए हम इसे बॉईल करने रखते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी चिकन है कि नहीं। माशाल्लाह से बॉईल हो रही है। अभी हम इसका पानी सुखा के लेंगे। फास्ट फ्लेम पे इसका पानी सुखा लेंगे। चिकन हमारी गल गई है और हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। पानी अच्छे से सुखा के लेंगे। ये हमारे आलू बॉईल हो गए हैं। अभी हम इसके छिलके उतार के लेते हैं और अच्छे तरीके से हाथ से मैश करके लेते हैं। ये हमारे आलू बॉईल हो गए थे, मैंने इसे अच्छे तरीके से मैश करके ली हूँ। देखिए आप, अच्छे से मैश हो गया। अभी हम जो चिकन हमने हरे मसाले में बॉईल की थी वो सब मसाला इसमें डाल देंगे चिकन के साथ। एक चीज़ और, जब हम रशियन कबाब बनाते हैं तो चिकन के मुकाबले आलू थोड़ा ज़्यादा रहने चाहिए, मुझे पसंद है। बाकी जिसे जितना मर्ज़ी, अगर कोई कोई ज़्यादा चिकन खाता है तो वैसे भी खा सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा आलू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि एकदम सॉफ्ट बननी चाहिए। ये हमारी फर्ज बीज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट के ली हूँ। ये 3 से 4 थी। ये एक छोटे साइज़ का गाजर था जिसे मैंने कद्दूकश करके ली हूँ, और एक कॉर्न थोड़ा सा। अगर आप चाहिए तो इसके अंदर शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने नहीं डाला। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस। थोड़ा सा विनीगर और हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मस्का। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले डाले थे बॉईल करने के टाइम पे, भी हिसाब से डालेंगे, ठीक है। हम इसे अच्छी तरीके से मैश करके लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमने सब अच्छे तरीके से मिक्स करके ले लिया है। माशाल्लाह से एक क्रीम बेस आया है, जैसा हमें चाहिए था सेम वैसे ही। अब इसकी हम मीडियम साइज़ की टिक्की बना के लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है ना ज़्यादा पतली, बस इस तरीके से हम सब टिक्की बना के लेंगे।
ठीक है। तो ये हमारी पेटीज बन के रेडी है। अभी चलिए हम इसकी कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग के लिए मैंने अंडे लिए हैं, 2 अंडे, जिसे मैंने नमक डाल के अच्छे तरीके से फेंट के ली हूँ। ये हमारी सेवई, जिसे मैंने हाथ से बारीक क्रश करके ली हूँ। इसे बड़ा बड़ा नहीं रखना है, इसे बारीक बारीक ही रखना है। चलिए अभी रशियन कबाब को हम इसको कोट कर लेते हैं। पहले हम इसे अंडे में डिप कर लेंगे, फिर इसे सेवई में डालेंगे और अच्छे तरीके से कोट करेंगे। देखिए हमारे रशियन कबाब तैयार है। बस इसी तरीके से हम आगे की भी पूरी रशियन कबाब रेडी करके लेते हैं। चलिए फिर देखिए हमारे रशियन कबाब बन के रेडी है। माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। बस हम इसे गोल्डन फ्राई करके लेंगे। चलिए हमारी पेटीज रेडी है, हम उसे डीप फ्राई करते हैं। ठीक है, हमें इसे गोल्डन करना है। देखिए इसी तरीके से गोल्डन करके लेना है हमें सबको, तो ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि सेवई फ्राइड हो जाती है ना। ठीक है, इसे अच्छा थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे हल्का सा, फिर हम इसे निकाल देंगे। माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं। रशियन कबाब रेडी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। देखिए आप कितने बेहतरीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी बनाइए और दुआ में याद रखिए। और जो जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पे लाइक करें और अच्छी सी कमेंट्स दें। चलिए आप सबसे दुआ की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़।